नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 18 जनवरी सोमवार शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। सुप्रीम कोर्ट में आज किसानों के 26 जनवरी को दिल्ली आने के मामले पर सुनवाई टल गई। अब इस मामले पर सुनवाई 20 जनवरी को होगी। कोर्ट में दिल्ली पुलिस की ओर से ये याचिका दायर की गई थी। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार इस पर पहले फैसला ले। चीफ जस्टिस एस.ए. बोबडे ने कहा कि मामला पुलिस का है, हम इस पर फैसला नहीं लेंगे। कोर्ट ने संकेत दिए हैं कि किसानों के दिल्ली आने जैसे विषय पर पहले फैसला प्रशासन को लेना चाहिए। ट्रैक्टर रैली को लेकर सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि रामलीला मैदान में प्रदर्शन की इजाजत पर पुलिस का फैसला करना है। शहर में कितने लोग कैसे आएंगे ये पुलिस तय करेगी। चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या अब अदालत को बताना होगा कि सरकार के पास पुलिस एक्ट के तहत क्या शक्ति है। सीकर जिले के खंडेला के बावड़ी के सरकारी स्कूल में दो स्कूल टीचरों को मास्क नहीं लगाने पर एपीओ किया गया है। जानकारी के अनुसार शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने दोनों टीचरों विकास शर्मा और मुकेश कुमार को एपीओ किया। वहीं स्कूल प्राचार्य केशर राम को शो कॉज नोटिस थमाया गया है। प्राचार्य को अपने कक्ष में चाय बनाने के कारण नोटिस मिला है। बता दें कि औचक निरीक्षण करते हुए डोटासरा स्कूल पहुँचे थे, जिसके बाद मास्क नहीं लगाने पर दोनों टीचरों को एपीओ किया गया है। शिक्षा नगरी कोटा में आज सोमवार से फिर से गुलजार हुई, तो एक बार फिर से बिगड़ी हुई अर्थव्यवस्था की पटरी पर आने की उम्मीद जाग गई है। दसवां बाद कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए स्कूल, कोचिंग संस्थान और कॉलेजों में चहल पहल हुई। सुबह से ही स्कूलों में बच्चों के आगमन की तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया। गेट एंट्री से लेकर क्लासरूम तक में सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजेशन का ध्यान रखा गया। कोचिंग संस्थानों के क्लासरूम में अल्ट्रा वायलेट सैनिटाइजेशन की व्यवस्था की गई, ताकि क्लास खत्म होते ही सेंसर के माध्यम से संचालित सैनिटाइज स्प्रे हो जाए। स्कूल फीस को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है। जानकारी के अनुसार स्वर्णिम सिंह विद्यालय वर्सेस राज्य सरकार मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई होनी थी, यह सुनवाई आगामी 3 सप्ताह के लिए टल गई है। कोरोना काल में स्कूल फीस वसूली के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने 18 दिसंबर 2020 को अपना फैसला सुनाया था। स्वर्णिम सिंह स्कूल की मैनेजिंग कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में फैसले को चुनौती दी थी। बाड़मेर जिले में शिव थाना इलाके में आज सोमवार को सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जिसमें ऐसी आशंका जताई जा रही है कि नाबालिग के साथ दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर दी गई है। हालांकि इस बात की अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। शिव थाना अधिकारी विक्रम सिंह मैजाप्ता पहुंचे। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा भी मौके पर पहुंच गए हैं। पुलिस अब इस पूरी घटना की जाँच में जुटी है। परिवार की ओर से मामला दर्ज करवाने की कार्रवाई चल रही है। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू कर दी है। टोंक जिले के दूनी थाना क्षेत्र के फतेहपुरा गांव में पति पत्नी द्वारा आत्महत्या की कोशिश किए जाने की जानकारी सामने आई है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने बताया कि थाना क्षेत्र के गांव निवासी एक दंपति ने विषाक्त का सेवन कर आत्महत्या की कोशिश की। दंपति को तबीयत बिगड़ने पर दूनी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहाँ हालत बिगड़ने पर इन्हें टोंक रेफर कर दिया गया। इनकी हालत गंभीर बनी हुई है। दंपति ने आत्महत्या की कोशिश क्यों की, इसका पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी की सिफारिशों को लागू करने के नजरिए से केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने स्कूलों की संबद्धता से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब संबद्धता के लिए साल में 3 बार ही ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा। बोर्ड का आदेश गोरखपुर में संचालित स्कूलों में पहुंच गया है। पुराने नियम के मुताबिक पूरे वर्ष संबद्धता के लिए आवेदन किए जाने के स्कूलों को छूट दी गई थी, मगर सत्र 2021-22 में संबद्धता के नियमों को और पारदर्शी बनाने और आंकड़ों में स्पष्टता लाने के नजरिए से बोर्ड के नियमों में बदलाव करने का फैसला किया है। जयपुर में चोरों ने रामनगरिया व ब्रह्मापुरी में 2 सोने मकान और जवाहर सलकीर में एक दुकान के ताले तोड़कर लाखों की चोरी कर ली। रामनगरिया इलाके में चोरों ने मनोज कुमार गुप्ता के सोने मकान को निशाना बनाकर नकदी व जेवर चोरी कर लिए। इसी तरह ब्रह्मापुरी इलाके में चोरों ने जयसिंहपुरा खोर स्थित शारदा कॉलोनी में सोने मकान के ताले तोड़कर अलमारी से नकदी व जेवर पार कर दिए। पुलिस चोरों की तलाश कर रही है। जयपुर जिले के वैशाली नगर थाना क्षेत्र में साइबर ठगों द्वारा एक महिला के बैंक खाते से 1,47,000 रुपये की ऑनलाइन ठगी करने का मामला सामने आया है। पीड़िता हिमाद्री ने थाना में रिपोर्ट दर्ज करवाई है कि 13 जनवरी को उनके मोबाइल पर फ़ोन आया और बताया कि अमेजन के सेल्स एंड प्रमोशन टीम से बोलना बताया। ऑनलाइन ऑर्डर की जानकारी देकर बताया कि 15 मिनट तक फ़ोन चालू रखना है। डेल कंपनी का लैपटॉप के लिए GST IN R के लिए 9,999 रुपये की पे करने की बात कही।
इस तरह से ठगों ने पीड़िता को अलग अलग समय पर फोन करके खाते से 147,000 रुपए की ठगी कर ली। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बाड़मेर जिले के धौरी मन्ना थाना क्षेत्र के बाशडाऊ गांव में एक विवाहिता की गला दबाकर हत्या करने का मामला सामने आया है। विवाहिता के पिता ने थाने में ससुराल पक्ष के खिलाफ हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने बताया कि पिता ने रिपोर्ट में बताया है कि विवाहिता के पति, सास, जेठ व जेठानी ने उसके साथ मारपीट की और गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। उसके बाद उसके शव को कमरे में लटका दिया। पुलिस ने शव को धौरी मन्ना अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। वहीं पुलिस मामले की जाँच कर रही है। व्हाट्सएप द्वारा लाई गई नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता द्वारा अपील की गई थी कि इस पॉलिसी को लेकर सरकार को एक्शन लेना चाहिए, ये निजता का उल्लंघन है। हालांकि दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में कोई नोटिस जारी नहीं किया है और कहा है कि इस पर विस्तृत सुनवाई की जरूरत है। अब इस केस की सुनवाई 25 जनवरी को होगी। याचिकाकर्ता द्वारा अदालत में कहा गया कि इस पर सरकार को कड़ा कदम उठाना चाहिए, ये लोगों की निजता का उल्लंघन है। इस पर दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से कड़ी टिप्पणी की गई। हाईकोर्ट ने कहा कि यह एक प्राइवेट ऐप है, अगर आपकी निजता प्रभावित हो रही है तो आप व्हाट्सएप को डिलीट कर दीजिए। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए।